24 घंटे में यूपी में 27,357 कोरोना के केस पाए गए हैं। लखनऊ में 5,913 मामले सामने आ चुके हैं नए। यूपी में कोरोना से 120 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 120 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 8,21,054 कोरोना के मरीज इस वक्त हैं। प्रदेश में अब तक 9,703 मरीजों की मौत और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,70,059 के पास है। अब तक 6,41,292 कोरोना मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 5,913 नए मरीज मिले हैं। ये आंकड़ा लखनऊ का है, 36 मरीजों की मौत का भी। और कानपुर में 24 घंटे में 1,826 नए केस। कानपुर में 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई है। और इसी के बाद अब प्रयागराज का आंकड़ा 24 घंटे का, जहां पर एक मरीज की मौत। वाराणसी में 24 घंटे में 1,664 नए मरीज पाए गए हैं। वाराणसी में 24 घंटे में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और मेरठ में 24 घंटे में 748 नए कोरोना के मरीज हैं। वाराणसी का यह आंकड़ा 1,664 के पास का है। 8 लोगों ने 24 घंटे में दम तोड़ा कोरोना के चलते, कोरोना वायरस के चलते। यहां पर आंकड़े बढ़े हैं। मेरठ में 24 घंटे में 748 नए कोरोना के केस मिले हैं। गोरखपुर में 24 घंटे में 723 कोरोना के केस मिले हैं। और 24 घंटे में 2,15,790 कोरोना की टेस्टिंग हो चुकी है। तो यूपी में ये वायरस और वो जिले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,123 नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 419 मरीजों की मौत हो गई है। यूपी में 24 घंटे में 27,357 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 120 मौतें यहां पर। और दिल्ली में 24 घंटे में 24,375 नए केस आए हैं सामने। दिल्ली में 24 घंटे में 167 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। कर्नाटक में 24 घंटे में 17,489 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 80 मरीजों ने दम तोड़ा है। ये वो राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं पूरे देश में। यहां पर लगातार आंकड़े हजारों की संख्या में सामने आ रहे हैं। लोगों का मौतों का आंकड़ा भी यहां पर लगातार बढ़ता दिख रहा है। तो देश में सबसे ज्यादा प्रभावित ये राज्य हैं जिनके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र यानी कि यूपी में लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे में सबसे तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। और 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं, 24,375 केसेस का है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 167 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 11,960 के पास पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त 8,27,998 के पास पहुंची हुई। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए नया आदेश जारी कर